हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। गाइस, मैं आज बात करने वाला हूँ कि कतर का लाइसेंस किस तरीके से आप बनवाएं। अगर आप नए हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आपका लाइसेंस आसान तरीके से बन जाएगा। अगर आप सऊदी रिटर्न हो या कुवैत रिटर्न हो या दुबई रिटर्न हो या बहरीन रिटर्न हो, यानी गल्फ कंट्री रिटर्न हो, आपके पास लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस अच्छे तरीके से बन जाएगा और सीरियल तरीके से आपका बन जाएगा। अगर आपके पास नए हो फिर भी आपका लाइसेंस यहाँ पर बन जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, उनके पास लाइसेंस नहीं है और लाइसेंस ना होने के बाद में यहाँ कतर आते हैं काम करने के लिए, यानी कि हाउस डिलीवरिंग या कंपनी में आते हैं, और उसके बाद लाइसेंस नहीं बन पाता तो वो लोग रिटर्न चले जाते हैं। तो भाई, अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हो कतर का, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ऐप लोड करिए। अगर आपके मोबाइल पर ऐप लोड है तो आपका लाइसेंस आसानी तरीके से बन जाएगा। जब आप फॉर्म भरते हो, जब मरूर ऑफिस में या ट्रैफिक पुलिस में जाते हो, तो वहाँ जब आप फॉर्म भरते हो, पैसा देते हो, जब आपको बुलाया जाता है कि एक महीने बाद या 10 दिन के बाद या एक हफ्ते बाद जब आपको बुलाया जाता है, तो आपके मोबाइल में ऐप लोड कर दिया जाता है। तो भाई, उससे पहले आप अपने मोबाइल में ऐप लोड करिए और उसी जरिए से सारे कंप्यूटर के जो सवाल हैं हल करिए। और दूसरी चीज़, अगर आप आए हो कतर में और यहाँ पर काम करते हो और आप लाइसेंस बनाना चाहते हो, तो कोई डिलीवरिंग का कोई दोस्त आपके पास है या कोई सदीक आपके पास, तो उससे ट्रेनिंग लीजिए मजे, यानी कि अच्छी तरीके से लीजिए। जब ट्रेनिंग आपका फाइनल हो जाए तो आप मरूर में या तो ट्रैफिक में जाकर आप लाइसेंस का फॉर्म भरिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, आ जाते हैं इंडिया से या पाकिस्तान या दूसरे मुल्क से आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ लाइसेंस नहीं बन पाता, तो कपिल क्या करता है, कपिल उनको रिटर्न भेज देता है। तो भाई, मेरा कहने मतलब यही है, अगर आप नए हो, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो सबसे पहले आप गाड़ी अच्छी तरीके से चलाना सीखिए, और दूसरी चीज, गाड़ी पार्किंग लगाना सीखिए और सही से रोड पर चलाना सीखिए। अगर आप लाइसेंस बनाना चाहते हो, यानी लाइसेंस बनवाने से पहले आप पहले नियम फॉलो करिए। और रही लाइसेंस के पास, और लाइसेंस भाई यहाँ पर अच्छे तरीके से बन जाता है। अगर आप एक बार में पास हो जाते हो कंप्यूटर, एक बार में गाड़ी टेस्ट पास हो जाते हो, आपका लाइसेंस अच्छे तरीके से बन जाता है। और यानी कि आप रिटर्न हो, सऊदी रिटर्न हो या कुवैत रिटर्न हो या दुबई रिटर्न हो, आपके पास लाइसेंस है वहाँ का, गल्फ कंट्री का लाइसेंस है, तो आपका लाइसेंस आसानी से बन जाता है, जिस तरीके से मेरा लाइसेंस बना हुआ देख सकते हो। ये है सऊदी का लाइसेंस और ये है कतर का लाइसेंस, समझिए, ये कतर का लाइसेंस है, ये सऊदी का है। तो आप लोग देख सकते हो, दो लाइसेंस हमारे पास हैं। तो मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ मैं आँख का टेस्ट कराया और मुझे मेरा लाइसेंस मिल गया है। और मुझे लाइसेंस मिला कहाँ से, मुझे मिला है मरूर ऑफिस से। अगर आपके पास सऊदी का लाइसेंस है, कुवैत का लाइसेंस है, तो आँख टेस्ट कराकर आप डायरेक्ट जाकर लाइसेंस भी ले सकते हो। अगर आप मरूर वहाँ ट्रैफिक पुलिस में आप फॉर्म भर चुके हो और उसके बाद भी आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है, तो भाई आकर फिर ट्रेनिंग दीजिए बराबर से। जब ट्रेनिंग देंगे आप, तभी उसके बाद लाइसेंस आपको मिलेगा। अगर आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस दिखाकर वहाँ पर फॉर्म भरते हो, तो बहुत से इंटरव्यू, बहुत से टेस्ट आपके कम हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ आपसे गाड़ी चलवा के देखेंगे और कंप्यूटर टेस्ट बहुत कम होगा। जब आपके ऊपर शक होगा तभी आपसे टेस्ट लिया जाएगा, रोड टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट। अगर आपके पास लाइसेंस है गल्फ कंट्री कहीं का भी, तो भाई आसानी तरीके से लाइसेंस बन जाएगा आपका। अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो, और डायरेक्ट जाकर मरूर ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ से आसानी से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो भाई, ये छोटी जानकारी रही आप लोग के लिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत से हमारे भाई आते हैं और लाइसेंस नहीं बन पाता, उसके बाद रिटर्न चले आते, कभी रिटर्न भेज देता, क्योंकि लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिलीवरिंग करना चाहते हो कतर में, तो भाई लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। बिगर लाइसेंस के आप यहाँ गाड़ी नहीं चला सकते हो, और उसके ऊपर जुर्माना और गिरामा बहुत ज़्यादा है। तो भाई, पहले आप लाइसेंस पकड़िए, चाहे बाइक राइडर का हो या फोर व्हीलर का हो या बड़ी गाड़ी का हो, कोई भी गाड़ी का हो, पहले लाइसेंस बनाइए, उसके बाद आप गाड़ी चलाइए यहाँ पर, या बाइक राइडिंग करते हो, कोई भी काम करते हो डिलीवरिंग से लेटेस्ट, तो भाई पहले लाइसेंस बनवाइए, तभी आप लोग रोड पर गाड़ी चलाइए। क्योंकि भाई यहाँ लाइसेंस का मान बहुत ज़्यादा है, बगैर लाइसेंस के पकड़े गए तो हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। तो भाई, ये छोटी जानकारी है उन भाइयों के लिए जो लोग यहाँ लाइसेंस बनाना चाहते हैं, या जो लोग यहाँ नए आ रहे हैं जो लोग, उनके लिए मेरा यही है कि भाई आप अच्छे से गाड़ी चलाइए और सबसे पहले अपने मोबाइल में ऐप लोड करिए जो कंप्यूटर टेस्ट होता है। खास करके लोग कंप्यूटर टेस्ट फेल हो जाते हैं और गाड़ी का टेस्ट पास हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग गाड़ी का टेस्ट पास हो जाते हैं और कंप्यूटर टेस्ट, बहुत से भाई हमारे
फेल हो जाते हैं, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर का जो ऐप आता है मोबाइल पर, उसको लोड करके उसको रोज़ यानी जितने बार हो सके उतने बार उसको आप पास करिए सारे। जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा यही सवाल वहाँ पर कंप्यूटर में आएगा, तो आपका लाइसेंस आराम से बन जाएगा। तो गाइस ये रही छोटी जानकारी आप लोग के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।